इंदौर से एक दिल दुखाने वाली खबर है, जहां एक दरिंदे ने एक 2 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस हैवान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार रात को 2 साल की बच्ची के साथ अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 2 साल की मासूम बच्ची अपने माता पिता के साथ सो रही थी। रात 2 बजे स्वजनों की नींद खुली तो बच्ची गायब मिली। इससे सनसनी फैल गई। पुलिस ने देर रात मासूम बच्ची को बरामद कर एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला शहर के चंदन नगर थाने का है। रात में करीब 2 बजे 10 बजे चौकीदार है, वो सोया था अपने परिवार के साथ में। उसके एक बेटा एक बेटी है और करीब 2 बजे उसकी नींद खुली उसकी पत्नी की, तो पता चला कि उसकी बेटी नहीं है। उसने तत्काल आसपास देखा, झाड़ियों में भी देखा और थाने में आकर शिकायत की। शिकायत के बाद हमारे सभी स्टाफ सक्रिय हुए। रात में जो थे TI साहब भी हमारे नेमा जी आए और इन्होंने यहाँ आकर देखा, फिर हम लोग बताए, मैं भी आया यहाँ पर और यहाँ पूरा हम लोगों ने चेक कराया। चेक करने के बाद आसपास देखा, CCTV फुटेज देखे गए। CCTV फुटेज से एक ट्रक का मूवमेंट आसपास के, चूँकि आसपास में तो नहीं था CCTV, कुछ दूर में एक ट्रक का मूवमेंट दिखा था जो आने आते जाते, तो हमने फिर उसके जो लड़की के पिता उससे पूछा था, तो उसने काफ़ी बताया एक अपने परिचित के बारे में, और उसके आधार पर हम लोगों ने काफ़ी CCTV फुटेज और इसके आधार पर किया, तो वह एक व्यक्ति है जो उन्हीं का परिचित है, जिसको हमने पकड़ लिया, हिरासत में लिया है। उसने अपनी पूरी बात बताई है। ये चंदन नगर थाना क्षेत्र में जो है वो एक 1.5-2 साल की बच्ची है, उसको रात में वो परिवार वालों ने देखा तो उसमें घर में नहीं थी और ऑलरेडी उसमें दरवाज़ा था नहीं घर में, प्लाईवुड वगैरह अटकाया हुआ था। तो आरोपी जो है वो उसने उस बच्ची को लेकर के और फिर यहाँ घटनास्थल पे आया था, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिस पर जानकारी मिलने पे तुरंत जो है मुकदमा कायम करके बच्ची की तलाश की गई और सुबह बच्ची यहाँ मिली थी। कुछ राहगीरों ने उसको देखा था, फिर पुलिस तुरंत पहुँच गई और उसको बच्ची को यहाँ से बरामद किया, उसका इलाज चल रहा है। और जो हमारे पास सूचनाएँ थीं और जो CCTV फुटेज थे, जो मोबाइल लोकेशंस थी, उसके आधार पर आरोपी जो उसमें है प्रकरण में, उसको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उससे पूछताछ हो रही है, उसके बाद से आगे कार्रवाई की जाएगी। चंदननगर थाना पुलिस का कहना है कि मासूम बच्ची को एक चालक अपने ट्रक में ले गया था। पुलिस ने देर रात ही मासूम को दूर रेती मंडी इलाके से बरामद किया है। बाद में मासूम बच्ची की तबीयत बिगड़ गई तो उसे लेकर MY अस्पताल ले जाया गया और उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि की है। चिकित्सक लगातार बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।